हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ LIC का बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर बिकने वाला प्लान कन्यादान पॉलिसी। कन्यादान पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें आपको क्या प्लान होता है, क्या इसका बेनिफिट होता है, क्या क्या इसमें रूल होते हैं और कितना इसका प्रीमियम होता है, कहाँ से इसका बीमा शुरू होता है, सब डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भी LIC के बारे में कोई भी प्लान चाहिए तो आप जरूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है सिंपली, और मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको जरूर मिल जाएगी। अब आपको बताना हूँ कि कन्यादान पॉलिसी के बारे में कितने का जो बीमा होता है, कहाँ से शुरू होती है, इसमें कितना बेनिफिट होता है, क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, सब इस वीडियो में बताने वाला है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल एक बेसिक बता दूँ बेनिफिट इसमें क्या होता है, सबसे पहले जानना जरूरी है। अब आपको बता रहा हूँ नॉर्मल एक एग्जाम्पल के हिसाब से 10 लाख का कोई बीमा करवाता है, जो भी अपने जो बच्चे का हो, लड़की का, लड़के का, किसी का भी आप करवा सकते हो कन्यादान पॉलिसी में। आप जिसमें आप जिसका शादी होने वाली है उसका भी आप करवा सकते हो, यानी आपका जो बच्चा है जो अभी 3 साल का है या 4 साल का है तो आप इसका भी आप करवा सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके हिसाब से प्लान आपका चूज़ हो जाएगा। जैसे आपको 10 लाख का कोई प्लान आपने चूज़ किया है तो 10 लाख का जो भी आपका प्रीमियम होगा वो आपको मिलेगा। जैसे आपका जो अभी 10 लाख के हिसाब से बता दूँ मैं आपको, 75 रुपये के आसपास आपका पर डे के हिसाब से इसमें आपका होता है। और अभी जो भी उसका फादर है, मदर है, जो भी इसका बीमा का भुगतान करेगा, यानी आपका बीमा का प्रीमियम को भरने वाला है, किस्त वगैरह जो भरेगा उसका इसमें बीमा हो जाता है। अब उसका उस केसेस में क्या होता है कि उसका फादर है या मदर है, जो भी इसका बीमा करवाए हैं और प्रीमियम भर रहा है, तो अब मदर की या फादर की किसी भी डेथ हो जाती है जिसने आप प्रीमियम भर रहा है उसकी डेथ हो जाती है, ऑन डेथ या नॉर्मल डेथ भी होती है, तो उसका बेनिफिट आपको 10 लाख मिलेगा। और इसके साथ में जो भी बोनस हो वो आपको मिलने वाला है, उसकी फैमिली को मिलेगा। इसके साथ में और भी बता दूं कि जो उसका नॉर्मल डे जो डेथ होता है तो 10 लाख मिलेगा, और यदि एक्सीडेंट में डेथ होता है तो 20 लाख मिलने वाला है। इसके साथ में बोनस वगैरह भी आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा प्लान है, क्योंकि इसमें दोनों की पॉलिसी हो रही है। इसमें एक लड़के की हो गई है और उसके फादर की हो गई है, या मदर की, जो भी इसका प्रीमियम भरने वाला है उनकी भी हो गई है। तो इसमें कोई भी आपको रिस्क वगैरह नहीं है, क्योंकि आपका प्लान है एक बार एक चल गया तो आपका 101% कहीं भी रुकने वाला नहीं है। कुछ भी हो आपका प्लान ज़रूर आपका सक्सेस होगा, और सही से आप वहाँ पर चल रहे हो तो कोई भी आपके रिस्क वगैरह नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरी जो डेथ हो जाती है तो क्या उसके बाद मेरा जो फ्यूचर प्लान मैंने किया है कि मेरा बच्चे की 25 साल बाद शादी करनी है, 18 साल बाद शादी करनी है, वो क्या फिक्स हो पाएगी? तो एकदम LIC एक प्रीमियम जो बात करती है ना, जो LIC जो आपने प्रीमियम ले रखा है, जो आपने बीमा करवा रखा है, जो आपने एक पॉलिसी करवाई, इससे पहले सब चीज़ें बता देते हैं कि भाई आपको इतना मिलने वाला है, इतना रिटर्न मिलेगा। जो भी एजेंट वगैरह होते हैं, आप खुद मेरे से करवाते हो तो मैं भी आपको ये चीज़ बता दूंगा कि भाई इतने टाइम इतना हमको प्रीमियम भरना है, पैसा भरना होता है और इतने तारीख को आपको पैसा मिलेगा, सब डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इस चीज़ को आप टेंशन ना लें, क्योंकि LIC बहुत ही अच्छा एक पहले से चला आ रहा है और कई साल हो गए, ये फ्रॉड वगैरह नहीं है और ये गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है, तो कोई भी आपको रिस्क वगैरह नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो पैसा फंस गया है ऐसी कंपनियों में, हम तो गलत चीज़ों में जाओगे तो पैसा फंसेगा ही और आपको डूबने वाला ही है। पर एक आपको बता दूं, अभी मेरे जो दादा थे उनका भी जो LIC चल रहा था, उसके बाद हम पापा भी चल रहा है और मेरा भी चल रहा है, तो इसमें कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं। क्योंकि आप नॉर्मल देखो तो 80-90 साल तो यही हो जाते हैं, उनके साथ में कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ तो आपके साथ कैसे हो सकता है और मेरे साथ कैसे हो सकता है? इस चीज़ को आप बिलीव करो। मैं खुद इस फील्ड में हूँ और एजेंट वगैरह हूँ और मैं LIC करवाता हूँ, बहुत से बंदों की करवाई हैं, तो आपकी भी ज़रूर करवा दूंगा। और आपके 101% कहता हूँ कि आपको कोई भी रिस्क वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपकी कोई भी जो कहीं पे भी ऐसा कोई होते हैं कि भाई आपका पैसा नहीं मिलेगा, डूब जाएगा, ऐसा कुछ हो, तो आप जिसे मेरे संपर्क कर सकते हो यदि आपको बिलीव नहीं हो तो, ठीक है। और मैं आपको कह दूँ कि अभी आप मेरे से संपर्क करके आप अपनी खुद इस कन्यादान पॉलिसी को एक्टिवेट करा सकते हो। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा, आपको सिंपली मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, इस पर आप संपर्क कर सकते हो सीधे और मेरे से ये प्रोग्राम प्लान चूज़ करके अभी के अभी एक्टिवेट करा सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए सब आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे आप मेरे से जो फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे ना, फॉर्म भरना सर, और जो अपने डॉक्यूमेंट भी है वो सब मैं आपको इसी फॉर्म में आपको भर दूंगा। और सब आपको फॉर्म भरने के बाद, ये कम्प्लीट फॉर्म है ना, तो इसमें जो भी आपके फॉर्म वगैरह फॉर्मेलिटी है सब भरने के बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे इसके पीछे अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद ये फॉर्म LIC ऑफिस में जमा हो जाएगा और आप इंडिया के कहीं पे भी, आपका इंडिया का कोई भी LIC ऑफिस है वहाँ पे जाके जो भी आपको मैच्योरिटी होती है, जो पैसा होता है, वो सब आप वहाँ पे भी करवा सकते हो। जो भी आपके आसपास में हो, जहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में हो या कहीं पे और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आप रहते हो तो भी आप वहाँ पे जाके भी अपना ये करवा सकते हो, प्रीमियम वगैरह जो भी आपको भरना होता है। बाकी अभी ऑनलाइन चल रहे हैं तो आपका ऑनलाइन खाते से कट जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यदि आपकी कोई भी रिस्क वगैरह होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपके साथ 100% हर टाइम रहने वाला हूँ, कोई भी रिस्क नहीं है आपका। आप एक बार मेरे से कनेक्ट हुए, ज्वाइंट हुए, मेरे से संपर्क करो। बाकी आपको इस चीज़ के बारे में और भी डिटेल चाहिए तो मेरे से संपर्क करके आप डिटेल ले सकते हो।
आई होप कि छोटी सी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।